This video is sponsored by FA Studio. Link is in the description. अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैदराबादी गोश्त की कड़ी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं हैदराबादी गोश्त की कड़ी। तो सबसे पहले हमें चाहिए सॉल्ट, रेड चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, इमली जो मैंने भिगो के रख दी है इसका पल्प चाहिए, 3 से 4 ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, करी लीव्स, 6 से 7 टमाटर, 2 से 3 आलू, 1 छोटा बोल ऑयल, बेसन का घोल, ज़ीरा भुना हुआ, खोपरा और दालचीनी दोनों भुने हुए, और ये हमारा मीट। तो चलिए शुरू करते हैं कुकिंग। कुकर गैस पे चढ़ा दीजिए, इसमें 1 छोटा बोल ऑयल डाल दीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो देखिए हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट इस तेल में डाल दिया है और अच्छे से इसे भूनना है ताकि उसकी कच्ची स्मेल सारी चली जाए। 30 से 40 सेकंड इसे अच्छे से भूनना है। अब हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर। ये देखिए हमने टर्मरिक पाउडर डाल दिया है, इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और आलू। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पूरा मसाला इसे लपटना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारा मीट। मीट को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह क्या प्यारा कलर दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब हम ये सारी चीज़ें गलने के लिए 5 से 6 सीटी लगाएंगे। ये डिश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि जब भी हम मम्मी के साथ हैदराबाद आते थे तो ये डिश खाए बगैर नहीं जाते थे। बहुत ही सिंपल, अच्छी और मेरी फेवरेट डिश है ये। आप लोग प्लीज़ घर में ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी। बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए 5 से 6 सीटी हो गए हैं। इंशाल्लाह टमाटर भी गल गए होंगे, आलू भी गल गए होंगे और गोश्त भी गल गया होगा। देखते हैं हम
सारी चीज़ें गल रहे हैं। मैं आपको एक आलू निकाल कर बताऊँगी। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें गल गए हैं। एक से दो मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। तो चलिए हम जब तक मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हमें चाहिए दालचीनी और खोपरा, और ज़ीरा। ये तीन चीज़ों का हमें मसाला तैयार करना है। इसे ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। स्मेल बहुत प्यारी आ रही है इसकी। अब ये वाला पाउडर हम कुकर में मिक्स कर देंगे। तो हम ये पाउडर इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमको। स्मेल तो बहुत प्यारी आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त स्मेल आ रही है। अब हम बेसन ले लेंगे। ये आधी गिलास पानी में 2 टीस्पून बेसन मिला हुआ है। हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अच्छे से मिक्स करना है उसको। अब हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प डालना है हमको। और अच्छे से इसे मिक्स करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखिए। मैं 1 गिलास पानी डाली हूँ इसमें। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। करी लीव्स और हरी मिर्च अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है इसका। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है ये रेसिपी। चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। 3-4 मिनट बॉईल आने तक रहने दीजिए। माशाल्लाह बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। 3-4 मिनट तक इसे अच्छे से पका लीजिए ताकि हमारा खट्टा जो है, इमली का जो पल्प है वो अच्छे से पक जाए। देखिए लीजिए तैयार है हमारी हैदराबादी गोश्त की कड़ी। अब इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए और इन्जॉय कीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।